हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ए एस एडिट्स में। तो गाइज आज हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज हम आज एडिटिंग करने वाले हैं तोकिर एडिट जैसी। तो गाइज जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि तोकिर एडिट ने कल वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो गाइज मैं वो आपको दिखा देता हूँ। गाइज उन्होंने कुछ इस तरीके की एडिटिंग करी है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो गाइज हम आज इसी पर ही एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं, एंड बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले दिख जाए। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस आप मैं इसमें बैकग्राउंड को पहले से इरेज करके रखूँगा। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो आप मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को आप मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को आप देख सकते हैं। तो गाइस हम चलते हैं अपने बैकग्राउंड को लेकर। तो गाइस मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को सेव कर ओपन कर लूँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइस हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाएं। तो गाइस थोड़ा सा शोर हो सकता है तो इसे एडजस्ट कर लेना आप। तो गाइस हमने इसे रोटेट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस तो क्रेडिट जैसा बैकग्राउंड जैसा जिसने जो भी चाहता है इरेज करना है एकदम फुल एचडी में तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस हमने ये बैकग्राउंड ले लेना, फुल एचडी बैकग्राउंड है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आपको क्या करना है, गाइस यहाँ पर अपने मॉडल को ले आना है। तो गाइस हमने मॉडल का ही पहले मतलब इरेज बैकग्राउंड इरेज कर लिया जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस हम यहाँ से अपने मॉडल को यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। तो गाइस इतना बड़ा कर लेंगे कुछ एंड यहाँ पे सेट कर देंगे, इस जगह पर सेट कर देना है हमें। उसके बाद यहाँ पे टैप कर देना है एंड आपको आपको आ जाना है प्लस के आइकन पे एंड फ़ोटो पर जाना है आपको। फ़ोटो में आकर गाइस आपको एक अम्ब्रेला का पीएनजी लेना है, अम्ब्रेला का पीएनजी आप ले लें एंड इसे इधर की तरफ रोटेट कर देना है आपको। थोड़ा सा और कर देते हैं गाइस, तो सही रहेगा। गाइस यहाँ से आप इरेजर पर क्लिक करना है, इरेजर की हार्डनेस को आपको फुल कर देनी है एंड अब आपको यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसका हाथ पर अम्ब्रेला का आपको इरेज कर देना है। इसे आप इरेज कर देते हैं यहाँ से। गाइज यहाँ से इरेज हो चुका है एंड गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ प्लस के आइकन पर दोबारा जाना है एंड यहाँ पे ऐड फोटो पर जाना है। यहाँ पे एक वाइट स्मोक का पीएनजी है उसे और ले लेना है आपको, उसे आपको यहाँ पर इस जगह पर नीचे चिप लगा देना है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम इस जगह पर। तो ऐसे एक स्नो का पीएनजी हो रहा है उसे भी आपको लगा लेना है, उसका भी उसे भी हम लाते हैं। फिर ऐड प्लस के आइकन पर जाएंगे एंड ऐड फोटो पर जाएंगे एंड स्नो का पीएनजी से ले आएंगे एंड इसे यहाँ से सेट कर लेंगे। एंड गाइस इसका ब्लाइडिंग स्क्रीन जो करना है ना आपको वो स्क्रीन कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। एंड गाइज हमारे पिक्सआर्ट का तो काम कुछ ख़त्म हो चुका है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। गाइज हमें प्लस के आइकन पे जाना है मतलब ड्रॉ के आइकन पे एंड ड्रॉ में जाना है, इसे थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे यहाँ से कर लेना है सेव। गाइज अब हमें जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, जो भी अब काम होएगा वो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर होएगा। तो चलिए चलते हैं गाइज लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। गाइज हमने अपने फ़ोटो को यहाँ लाइटरूम में इम्पोर्ट कर लिया है। तो गाइज आपको क्या करना है, गाइज यहाँ पे आपको पहले लाइट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड लाइट वाले का एक्सपोज़र थोड़ा सा आपको कम कर देना है, एक्सपोज़र ज़्यादा नहीं थोड़ा ही करना है, -14 0.14 कर देना है आप एंड कॉन्ट्रास्ट को भी नहीं छेड़ना है एंड हाईलाइट्स को कम करना है, शेडो को थोड़ा बढ़ा देना है आपको एंड वाइट्स को कम करना है, ब्लैक्स को कम कर देना है। और आपको आ जाना है गाइस कलर वाले ऑप्शन पर, कलर्स वाले में इसकी वाइब्रेशन थोड़ी बढ़ा देनी है
एंड यहाँ पे आपको कस्टम सेलेक्ट करना है एंड अब आपको आ जाना है मिक्स वाले टूल में। तो गाइस मिक्स वाले टूल में आपको क्या करना है, एंड ऑरेंज में जाना है, ऑरेंज की लुमिनेंस बढ़ा देनी है थोड़ी जिससे हमारा फेस ब्राइट लगे। तो गाइस अब आपको आ जाना है ब्लू में, ब्लू की सैचुरेशन को आपको बिल्कुल डाउन कर देना है, दोनों ब्लू की सैचुरेशन को आपको डाउन करना है एंड यहाँ से कलर को भी कर देना है, इस कलर को भी आपको डाउन करना है एकदम। गाइस की सैचुरेशन थोड़ी कम कर देना है एंड गाइस यहाँ से आपको क्या करना है, अब क्लैरिटी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेंगे थोड़ी सी एंड थोड़ा सा विग्नेट डाल देंगे फोटो के अंदर। ओके गाइस एंड अब आपको आ जाना है शार्पनिंग के टूल में। तो इस शार्पनिंग के टूल में आपको इसकी 20 शार्पनिंग रख देंगे आप। ओके गाइस 20 शार्पनिंग एंड नॉइज रिड्यूशन को थोड़ा बढ़ा देना है, कलर्स नॉइज रिड्यूशन को भी बढ़ा देना है एंड स्मूथनेस को भी बढ़ा देना है। तो गाइस हमारी फोटो हो चुकी है तैयार एंड गाइस ये लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले रही है। तो गाइस ये लोड हो चुकी है पूरी, तो गाइस मैं दिखा दूँ आपको आफ्टर एंड बिफोर। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं गाइस बहुत फ़र्क पड़ा है एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस वीडियो, इस पिक के अंदर। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी एंड फोटो एडिटिंग कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस यहाँ से आप वीडियो अपने पिक को सेव कर देना। बाय बाय।